Guys, what's up? Welcome back to my new vlog. I hope you all are doing well. By the way, चश्मा कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? तो उसके लिए एक सब्सक्राइब कर दो. और गाइज, आज का ब्लॉग शुरू हो गया सुबह 12:30 बजे. और आज का मौसम बताने से अच्छा आपको दिखाई देता हूँ कि कैसा है मौसम. और फिर आज हम जा रहे हैं घूमने के लिए बाहर, वो भी बता दूंगा. पहले मौसम देखो. आज का वेदर पता है डगमगाया हुआ है, मतलब धूप भी आ रही है और ऐसे बदली सी भी छा रही है एंड पूरा ऐसा ही है. और हम चल रहे हैं बाहर घूमने के लिए. और ये देख रहे हो आप, ये है वॉक्स वैगन की कार. और इस पे ये देखो कितना प्यारा लगाया हुआ ऊपर, भाई कितना मस्त लग रहा है ये पाइनएप्पल. और ये छोटी सी कार इतनी मस्त बनाई हुई है ना इसने कि बहुत सही लग रही बाहर से, प्यारी सी. वाह, नाइस. एंड यहाँ की इलेक्ट्रिक बाइक देखो गाइस, क्या सुपर्ब लगती है भाई. कैसी कितनी तगड़ी लग रही है यार, पर ये इलेक्ट्रिक है पता है. वाओ गाइस, यहाँ का मैं आपको एक सीन बताता हूँ. अपने वहाँ पे इलेक्ट्रिक बाइक्स पता है कितने की मिल रही है आजकल के रेट में? 1,20,000, 1,30,000, 90,000, ऐसे 1-1 लाख के आसपास ही है. और यहाँ पे इलेक्ट्रिक बाइक अगर हम इंडियन मनी से कंपेयर करें पता है कितने की? 40,000, 30,000, 40,000, बस इससे ज़्यादा की नहीं है. आप पता है इतना सस्ता है मतलब. और यहाँ पे मोस्टली सब इलेक्ट्रिक ही यूज़ करते हैं इन्वायरमेंट के वजह से. नाइस. अगर कोई ओला एथर वाला देख रहा है तो प्राइस घटाओ यार, थोड़े घटाओ प्राइस. लुक एट दिस गाइस, भाई साहब, लैंड रोवर डिफेंडर, इतनी ह्यूज गाड़ी, इतनी बड़ी गाड़ी, क्या प्यारी लग रही है यार. ब्लैक कलर इज लव, लव है लव. अकला किन्ना डिगाती थल्ले की कर दे यार, लेकिन हम आज इधर नहीं जाएंगे, हमको जाना है इस साइड, ये वाली बिल्डिंग में. ये वाली बिल्डिंग इन द सेंस कितनी बड़ी यार, इधर ही है मॉल. तो हम इधर जाएंगे और मस्त चलते हैं फटाफट. और यहाँ देखो कितना सही लग रहा है यार, ये कितना मस्त बनाया हुआ है. और क्लीनलीनेस अव्वल दर्जे की. वाओ. ओ भाई, ये देख रहे हो कितने सही लग रहे यार एंट्रेंस पे, बिल्डिंग के एंट्रेंस पे ये लगाए हुए हैं. नाइस यार, ये इट इज़, ये क्या है मेरे को पता नहीं पर बहुत अच्छा लग रहा है. और इस साइड देखते हैं तो इस साइड देखो डमरू, किसी को चाहिए डमरू? घर ले जाना है यहाँ से. लेने तो जा, लेके जाने तो देंगे नहीं ये लोग. और पता है आपको, सेंटा क्लॉस तो चला गया लेकिन उसके ये डियर यहाँ छोड़ गया. भाई सेंटा क्लॉस ले जाओ इसको. और ये देखो रेंज रोवर विलार, भाई साहब एलॉय भी कितने प्यारे और गाड़ी तो बहुत प्यारी. और काला रंग एक नंबर यार, काला रंग ना. जब भी लिटरली मैं बताता हूँ मैं काला रंग देखता हूँ ना, और ऐसी कारें देखता हूँ जो मतलब ये सब कारें ना दिल में बसी हुई रहती है. और एक नंबर कार होती है यार ये सब, मतलब आई कांट एबल टू डिस्क्राइब यार, क्या करें. चले मॉल. और यू नो व्हाट गाइस, यहाँ पे ना पोर्श वगैरह ना पता है खिलौने जैसी दिखती है, डायरेक्टली खिलौने जैसी. ये देखो कितनी सही है यार, वाह. और ये ग्रीन नंबर प्लेट मींस इलेक्ट्रिकल है, वाह नाइस. बग्गे बग्गे बिल्ले आधा की करेगी, मेरे नाल मॉल चलेगी. पर मेरे नाल मॉल चलने वाली तो कोई है ही नहीं यार. गाइज यू वॉन्ट टू लुक मिस्टर बीन्स कार, दिखाता हूँ मिस्टर बीन की कार. रुको, मेरे सामने खड़ी हुई है यार. Have a look at the Mr. Bean's car. उसकी ग्रीन कलर की थी, ये है खाकी कलर की. पर अच्छी है, मिनी कूपर है ये, मिनी कूपर. तो अभी हमको जाना है मॉल. यहाँ से मैं अगर सीधा गया तो मेरे को बहुत मतलब ट्रैफिक वगैरह के उधर सिग्नल्स पे रुकना पड़ेगा. तो हम इधर से जाएंगे ऊपर तो, और उस साइड नीचे के साइड उतर जाएंगे और उधर से सीधा जाएंगे तो मॉल आ जाएगा. लेट्स गो इधर से. तो यहाँ से व्यू देखो गाइस कितना प्यारा है, नीचे से यहाँ से है टनल एंड ये हाईवेज देखो कितने मस्त है यार. और ये बिल्डिंग्स एंड ऑल, ये तो नज़ारा अप्रतिम, एक नंबर, बहुत प्यारा नज़ारा लग रहा है. वाह. सो गाइस आई रीच्ड मॉल भागते भागते, क्योंकि देखो बारिश पड़नी शुरू हो गई बताओ. और यहाँ पे देख रहे हो ये क्रिसमस ट्री टैडी बियर्स का कितना मस्त बनाया हुआ है, सही है यार एंट्रेंस पे. सो गाइस यहाँ से थी एंट्रेंस मॉल में, यहाँ पे नीचे है सारा फूड कोर्ट एंड ऑल. यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फ्लोर फोर्थ फ्लोर. और अभी हम फर्स्ट फ्लोर पे इधर से एंटर कर गए हैं. यहाँ पे है माई स्टाइल, यहाँ का ब्रांड है या कहाँ का ब्रांड है मेरे को पता नहीं, आप ऑनलाइन सर्च कर ले ना. भाई देखो अच्छा हुआ मैं भाग भाग के आ गया, नहीं तो मैं बारिश में भीग जाता क्योंकि बारिश शुरू हो गई थी धीरे धीरे करके पता है. तो अभी फिलहाल हम यहाँ पे जाएंगे पीज में, PEEZ, क्योंकि यह है प्रीमियम
resellers of iPhone. मैं आपको इधर iPhones के रेट दिखाता हूँ, Mac के रेट दिखाता हूँ एंड जो जो हुआ उन सब के रेट दिखाता हूँ एंड चलते अंदर. So guys ये रहा पीस एंड ये है पूरा iPhone के resellers एंड यहाँ पे स्टार्टिंग में हम अंदर घुसते ही देखो देख सकते हैं यहाँ पे iPhone. यहाँ पे iPhone 15 Pro का प्राइस है 7299. ये देखो 15 Pro ये रहा 15 Pro, ये रहा 15 Pro 7299. प्लस का है 6199, 15 का है 5199. मतलब ये युआन है 7299. मैं इसका आपको इंडियन में बताता हूँ है ना. और यहाँ पे प्रो मैक्स का प्राइस है 9299. ठीक है. यू नो वॉट गाइस, 7299 मीन्स इंडियन 84,000. मतलब ये अभी इंडिया में है कितने का है पता है, ये 130,000. इधर देखो 84 का कितना डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस. और यहाँ पे भी एयरपॉड्स वगैरह यहाँ पे 1899 के. इसको आप 11.54 से इंटू कर दोगे तो ये आपको मिल जाएंगे. और एयरपॉड्स नॉर्मल वाले 1000, मतलब 1000 युआन के, मतलब 10,000 के हैं यहाँ पर. और अपने यहाँ पे 14,000 या 15,000 के है. सही है भाई. और अलग अलग मॉडल्स भी है. आईफोन 13 जब मैंने लिया था बताओ 60,000 का लिया था. और यहाँ पे देखो कितने का है ये 13, 4,099. इतना सस्ता है, बहुत इधर फ़र्क है मतलब इन सब में. और आपको यहाँ पे मैं वॉचेस के भी प्राइस दिखा देता हूँ. वॉच के प्राइस स्टार्टिंग फ्रॉम 2899. ये देखो 2899, 2699 स्टार्टिंग फ्रॉम. ये देखो मतलब बहुत सस्ती है इधर वॉचेस एंड ऑल भी. और आपको आईपैड के भी प्राइसेस में दिखा देता हूँ. आईपैड मिनी है 4,000 का, मतलब 40,000 इंडियन, 4142. और यहाँ पे आईपैड मतलब नॉर्मल वाले ये देखो 2199, मतलब इसी सब रेट में. और यहाँ पे अपने यहाँ से बहुत सस्ते में मिल जाता है. और सही है यार. और यहाँ पे सारे मैकबुक्स, और मैकबुक्स के प्राइस देखो 12,999, मतलब 1,29,000. मतलब ये अपने यहाँ पे भी, मतलब अपने यहाँ का प्राइस और यहाँ के प्राइस को कंपेयर करना ड्रास्टिक चेंज होगा, मैं लिटरली आपको बताता हूँ. और एयर का प्राइस देखो, यहाँ पे एयर का प्राइस 7199, मतलब 75,000 तक, 74,000 तक. और मतलब न्यू मॉडल ठीक है ना, ऐसे नहीं कि पुराना वराना. इनके पास आईफोन के कवर्स एंड ऑल भी बहुत प्यारे प्यारे. और ये भी बहुत सस्ते होते, इतना महंगे नहीं होते. एंड लिटरली इनके पास आईफोन के सारे प्रोडक्ट्स, आईफोन के मतलब एप्पल के सारे प्रोडक्ट्स है. एंड वाह, देख लिया आपने, बहुत तगड़े तगड़े. और प्राइस भी बहुत ड्रास्टिक चेंजेस रहता है इधर, स्टोर भी बहुत प्यारा है. बाय द वे मैं तो अभी लेने के हिसाब से आया नहीं था, बस ब्लॉग के लिए आया था मैं आपको दिखाने के लिए. एंड यहाँ पे लिटरली बता रहा हूँ, लिटरली इतना ड्रास्टिक चेंज रहता है ना. और सितंबर और नवंबर के टाइम में तो भाई साहब बहुत, तब तो सेल वगैरह लगती है. मतलब अभी 84,000 का आईफोन प्रो मैक्स है, ठीक है, प्रो मैक्स नहीं, आईफोन प्रो 15 प्रो 84,000 का. और उस टाइम मोस्टली डायरेक्ट 70-74 तक आ जाएगा, 10-1,000 और कम हो जाएगा. बताओ जो फ़ोन अपने यहाँ पे मतलब दो कैमरा वाला 70,000 तक मिलता है, यहाँ पे प्रो डायरेक्ट हमको 70,000 तक मिल रहा है. बताओ लिटरली भाई बहुत सही है. और वहाँ पे आईफोन के स्टोर के बाद यहाँ पे मतलब ये ज्वेलरी के स्टोर है, पर मैं इधर तो जाऊँगा नहीं अभी के लिए. एंड यहाँ पे सब मतलब क्लोथ्स एंड वगैरह के भी स्टोर है. यहाँ पे युवावी इनका ब्रांड है और युवावी बहुत फेमस है. यहाँ पे लोग आईफोन से ज़्यादा प्रेफर युवावी करते, तो हम युवावी में चलते हैं. और भाई देखो स्टार्टिंग में इन्होंने कार्स वगैरह भी रखी हुई है युवावी की. भाई कितना सही है यार, युवावी बहुत मतलब तरक्की कर गया है. युवावी की ये वाली कार देखो आप, लिटरली भाई साहब इस कार का मतलब फीचर्स एंड ऑल. ये देखो ये वाले हैंडल, ये अंदर चले जाते हैं ऑटोमेटिक. और इसके लेफ्ट हैंड ड्राइव है. और स्क्रीन वगैरह देखो इसकी क्या प्यारी है, इंटीरियर एंड ऑल भी बहुत प्यारा है यार लिटरली. एंड इसका पीछे का दिखाता हूँ मैं बैक एंड आपको. ये देखो इधर LED TV एंड ऑल भी. और इधर बैक स्पेस भी बहुत तगड़ा है, मतलब 7-सीटर तगड़ी है लिटरली. इसका ये फिनिशिंग एंड ऑल वाओ भाई, सब मतलब ऑटोमेटिक एंड ऑल. और आइटो या हेमा क्या नाम है मेरे को पता नहीं, पर बहुत सही है इसमें. और ये देखो नीचे का दिखाता हूँ, इसको हम खोलते हैं ना, इसका देखो फुटस्टेप डायरेक्टली बाहर आ जाता है ऑटोमेटिक. और डायरेक्टली अभी ऊपर भी चले जाएगा देखना. हाँ ये देखो जाएगा जाना गया. देखो क्या प्यारा है इसका, बहुत सही है, नाइस. और गाइस लिटरली यहाँ पे पता है युवावी के फ़ोन्स एंड ऑल, लोग आईफोन से ज़्यादा युवावी प्रेफर करते हैं फ़ोन लेना. यहाँ पे युवावी का फोल्ड भी है. और युवावी का फोल्ड पता है यहाँ पे कितने से शुरू हो जाता है, 13,999 इन द सेंस, मतलब 1,00,000 के तो ऊपर ही जाता है ये वाला फोल्ड वाला. बताओ पर भाई यहाँ पे ये लोग बहुत प्रेफर करते हैं युवावी फोल्ड.
और यहाँ पे पॉकेट टू मतलब 82,000 तक ये वाला छोटा, जैसे सैमसंग जैसा ये ऐसा फोल्ड हो जाता है लिटरली भाई। इसमें देखो इनके पास कितने वेराइटीज़ है, इसमें ये सब भी आता है और पॉकेट टू है ये। नाइस यार, अच्छे है, युवावी भी ब्रांड और इनके पास ये सब है, लैपटॉप टीवीज एंड ऑल एंड सही है। ये देखो कैसे देख रहा है इसको, शायद मम्मी ने इससे फ़ोन छीन लिया तो ये स्टोर में आके फ़ोन में देख रहा है। नाइस और गाइस, मैं वहाँ से युवावी से आया और नीचे देख रहे हो क्या चल रहा है, नीचे फुल ना बॉक्सिंग रिंग बनी हुई है और बॉक्सिंग मैच चल रहा है और छोटे बच्चों का चल रहा है। बाय द वे भाई कितना सही है यार मॉल के अंदर, और इतनी भीड़ लगी हुई ना, मेरे को लगा कि क्या हुआ भाई नीचे कुछ हो गया क्या, पर बॉक्सिंग मैच हो रहा है, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो भाई कितनी तगड़ी रिंग बनी हुई है और नीचे हो रहा बॉक्सिंग मैच और ऑडियंस भी बहुत सारी है। और अभी तो मतलब ब्रेक हुआ है, देखो ये कोच और वो बॉक्सर अंदर, और इस साइड भी है, इस साइड मतलब अभी इनका टाइम आउट हुआ है शायद, तो अभी होगा वापस स्टार्ट। और यहाँ देखो लिटरली भाई प्रैक्टिस हो रही है भाई, फुल मस्त प्रैक्टिस यार, बॉक्सिंग मज़ा आती है ठीक है करने में, मैंने भी की हुई है एक बार तो। और यहाँ पे शुरू हो गया मैच वापस से, मार 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 क्या सही है यार। और यहाँ पे बैठने के लिए देख रहे हो कितना मस्त मस्त होता है, हर जगह अलग अलग होता है पर बहुत सही होता है, कम्फर्टेबल है ये बैठने के लिए। यू नो वॉट गाइज, अपने यहाँ पे क्या होता है, अपने यहाँ पे अगर हम बच्चों के साथ मॉल में आए तो बच्चे चींची पीपी करने लग जाते हैं थोड़ी देर में, और यहाँ पे मॉल में क्या होता है, चलो दिखा देता हूँ बताने से अच्छा। यहाँ पे मॉल में ये होता है कि बच्चों को ऐसे खेलने के जगहों पे छोड़ दो और आप पूरा घूम के आओ, बच्चों का इंजॉय भी हो जाएगा, आपका भी इंजॉय हो जाएगा और बच्चे चींची पीपी भी नहीं करेंगे। देखो दिस इज अ वेरी गुड एंड ग्रेट इनिशिएटिव। और यार आप बच्चों की सबसे फेवरेट चीज मॉल का प्ले जोन, एंड प्ले जोन देख रहे हो कितना बड़ा, आपको मैं पूरा प्ले जोन दिखाता हूँ अंदर से भी। यहाँ पे तो पता नहीं कौन सा गेम है ये, यहाँ पे तो वो वाला है कि पिक करो और इसमें डालो, जो कि हमसे तो आज तक कभी हुआ नहीं और हमको तो कभी मिला नहीं। यहाँ पे मोस्टली सारे यही है, यहाँ पे बाइक चलाने वाली, कार वाली है, यहाँ पे फायरिंग वाले गेम्स है, यहाँ पे सारे पिक 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 करो और अंदर डालो, जो कि बहुत मुश्किल से होता है और बहुत रेयरली होता है। यहाँ पे देखो कितने सारे टॉयज भी अलग अलग, एंड भाई सही है यार लिटरली। और आगे भी दिखाता हूँ मैं आपको, ओ भाई साहब यहाँ तो पूरा मतलब क्या तगड़ा बनाया हुआ है बच्चों के खेलने के लिए। ये देखो ये सारा, ये देखो भाई क्या प्यारा बनाया हुआ है, उस साइड भी देखो। नहीं यार उधर तो खेल भी रहे हैं लोग, मैं दिखाता हूँ। और मैं जैसे कि बोल रहा था, यहाँ देखो जैसे छोटे बच्चों को छोड़ दो, ये लोग खेलेंगे यहाँ पे एंड फुल इंजॉय करेंगे। ये देखो सही है यार, यहाँ पे बच्चे खेलेंगे और यहाँ पे आप बैठ के बस चिल मारो और आपके बच्चों को देखो क्या कर रहे हैं, ऐसा सीन है। यहाँ पे देखो यार बहुत सारी चीज़ें हैं मॉल के अंदर, यहाँ ड्रैगन्स एंड ऑल, ये देखो कितना सही है, और यहाँ बच्चे कितने मजे से खेल रहे हैं भाई, फुल नाइस। ये देखो आया 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 ड्रैगन के मुँह से आया बच्चा आपको बस आपके बच्चों को यहाँ पे खेलने देना, जैसे कि ये देखो ऊपर अभी ये चढ़ रही है भाई, डेयरिंग मतलब तगड़ी है, और आप बस चिल मारो यहाँ पे बच्चों के साथ, खतरनाक सही है। ये देखो यार डेयरिंग कितना सही है यार, मस्त कर रही है, वाह। इसके पीछे बच्चे कितने दीवाने हो रहे हैं भाई, फुल मतलब ये मजे कर रहे हैं। नाइस, अभी ऊपर के सारे सेक्शंस में मेरा घूम के हो चुका है, अभी मैं चलता हूँ सबसे नीचे के सेक्शंस में और दिखाता हूँ उधर खाने की चीजें। और ये देखो ये सारा है चाइनीज फूड भाई, अच्छा होता है चाइनीज फूड, मेरे को तो पसंद आ रहा है, मैं तो यहाँ पे मोस्टली चाइनीज फूड ही खाता हूँ। यहाँ पे चाइनीज फूड खाते हैं ना, बहुत सोच संभल के खाना पड़ता है क्योंकि कुछ भी मिल जाता है कुछ भी। एंड यहाँ पे देखो ये है एक कैंडी की शॉप, यहाँ पे कैंडीज देखो कितनी सारी है, ये देखो लिटरली बहुत अलग अलग टाइप की और बहुत सारी सारी कैंडीज भाई, क्या सही है यार। ये तो ये भी कैंडीज ही है, मतलब ये फ्रूट्स की कैंडीज बनाई हुई है और ये भी फ्रूट्स के मतलब आइसक्रीम टाइप है। नाइस यार, और यार यार यहाँ पे देखो बेकरी प्रोडक्ट्स भाई साहब, ये बहुत डिलीशियस लगता है ये, और भी सारी चीज़ें डिलीशियस लग रही है, तो मेरे को सब खाने का मन हो रहा है, पर नहीं मीठा ज़्यादा नहीं खा सकता यार। और ये है चाइनीज टिपिकल डिनर, डिनर और लंच में कभी भी आप खा सकते हो, ऐसे ये रहता है, हमको इसमें लेना होता है और उधर जाके बताना पड़ता है और वो बना के देते हैं अच्छे से, कहीं पे बॉयल वाटर में बना के देते हैं और कहीं पे मतलब फ्राई एंड ऑल मस्त अच्छे से करके देते हैं। यहाँ पे सारा नॉन वेज, यहाँ पे पूरा वेज। नाइस, इन सब चीज़ों में से मैंने थोड़ा सा बस यही लिया क्योंकि मेरे को ज़्यादा भूख नहीं है। और यहाँ पे देख रहे हो डक, डक के फेस है ये बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे, ये क्या है पता नहीं पर है जो भी है। अभी मैंने ऑर्डर कर दिया सब, उधर दे दिया मैंने यहाँ पर, और वो मतलब मेरे को अभी कुक करके देंगे सब। और ये है हमारा टेबल, इसमें मतलब चॉपस्टिक्स एंड ऑल होगा सब कुछ, एंड ये 28 हमारा वो है नंबर, इसमें लेके आके रखेंगे, मैं दिखाता हूँ आपको लाने के बाद। और यहाँ पे अगर आप चाइनीज़ खाना खाते हो ना, चाइनीज़ खाना बहुत सस्ता पड़ता है, अभी मेरे को मतलब 71 का पड़ा है, मतलब 180 रुपीज़ ज़्यादा
ठीक है यार, इंडिया में भी इतना बहुत हम खाते तो 180-200 में ही होता है, तो इधर चाइनीज खाना सस्ता और इंडियन खाना महंगा है। ये देखो मैंने ऑर्डर किया था और ये ऐसे आता है भाई, इतना मस्त लगता है ना, और इतना प्यारा लग रहा है देखने में भी, और अभी बहुत डिलीशियस है खाने में भी। और यहाँ पे ये लोग राइस तो फ्री में देते हैं, पता है, लिटरली यहाँ पे राइस मतलब आप कितना भी खा लो फ्री में मिलता है। नाइस, इसमें चॉपस्टिक से दिखाता हुआ अभी आपको। तो गाइस यहाँ पे मोस्टली हम हर रेस्टोरेंट में आते हैं ना, यहाँ पे चॉपस्टिक से खाना पड़ता है और मैं चॉपस्टिक से खाना सीख चुका हूँ। ये देखो चावल भी खाते चॉपस्टिक से, ये देखो ऐसे उठा के थोड़े थोड़े खा लो, ऐसे खाते चॉपस्टिक से, पता है। तो अभी हम कर लेते हैं भोजन चॉपस्टिक के साथ, ये सब खा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको। डन फॉर द लंच, मॉल घूम के भी हो गया, पेट बहुत भर गया, तो अभी हम चलते हैं बाहर और हम डायरेक्टली मोस्टली तो जाएंगे घर पर। एंड गाइस आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत, ढेर सारे शेयर कर दो, सब्सक्राइब भूलना मत। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, पीस आउट, डोंट ट्रबल योर माता पिता एंड भारत माता, बाय।